यूपी में हुई दो साधुओं की हत्या के बाद पूर्व विधायक गुड्डू पंडित सांत्वना देने के लिए अनूपशहर के गांव पगोना पहुंचे। भगवान दास शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित और उनके 15-16 समर्थकों पर लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप में अनूपशहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जबकि गुड्डू पंडित ने इसे एक साजिश करार देते हुए दावा किया है कि साधुओं की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई और उसके बाद भी वह वहां ना जाते यह असंभव था। आपको बता दें कि भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित बुलंदशहर में बसपा और सपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बुलंदशहर के अनूपशहर पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के अनुसार गुड्डू पंडित और उनके 15-16 ज्ञात समर्थकों ने नोएडा से अनूपशहर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का खुला उल्लंघन किया। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि अनूपशहर के पगोना में शिव मंदिर चौराहे के पास गुड्डू पंडित लॉकडाउन का खुला उल्लंघन कर मौज मस्ती के लिए टहल रहे थे। वहीं गुड्डू पंडित ने अनूपशहर जाने की बात स्वीकारते हुए दावा किया है कि जनपद में दो साधुओं की हत्या हो जाए और वो वहां ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दो साधुओं की हत्या हो जाए और मैं मौके पर ना जाऊं, अपराधी को पकड़वाया जनता के माध्यम से, तो ये कहां की इंसानियत है? दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी जाए और मैं मौके पर ना जाऊं, मेरा क्षेत्र लगता है, इतनी दुखद घटना। मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूं, कर रहा हूं, गरीबों को राशन बांट रहा हूं, कोई गमी हो रही है तो उसमें भी जा रहा हूं क्षेत्र में, और सबको बोल रहा हूं सब सोशल डिस्टेंसिंग का सब पालन करें। हालांकि पूर्व विधायक ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान उनकी ओर से सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया था। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ इरशाद गाजी, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।